ऊपर में चढ़ा रहा है, इतना भीड़ है, देख रहे हो, लग रहा है कि कहीं गुफा से निकल रही है और इधर कहीं गुफा में डूब गई। फिर आप लोग को लग रहा होगा कि मैं लद्दाख में हूँ। बाप रे, देखिए बर्फ कितना जमा है, चेहरा पे पूरा बर्फ जम गया है। चलिए बस, ये देखो ठंड में खाती को भी लेके जा रहा। और सामने देख लो ठंड का नज़ारा, ठंड का मारा आवाज़ में निकल रहा है, हम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे तब जाकर आवाज़ निकल रहा है। 10 मीटर के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। और ठंड देख लो काफ़ी, हाथ निकल रहा है कुर्सी जगह एकदम, और जो गाड़ी वाला आ रहा है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। देखो इधर गया, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, सामने देखो कुछ दिख रहा है, फटाक से कोई आ जाएगा। हाथ का जो बाल है ना उस पर पूरा बर्फ जम रहा है, देखो इतना खतरनाक ठंडी है, देख लो भाई, बहुत खतरनाक ठंड है यार, कुछ नहीं दिख रहा है। लद्दाख का आज पता नहीं कौन सा देश में आ गया। बाप रे, देखो बर्फ कितना जमा है, चेहरा पे पूरा बर्फ जम गया है, ये सब पूरा बर्फ है, बर्फ देखो कितना पूरा, गाड़ी वाड़ी पूरा भींग गया बर्फ से। ओ बाप रे बाप, गाइस अभी हम पहुँच गए हैं स्टेशन, धरौधर स्टेशन, यहाँ से हमको मिलेगा बंगाल के लिए ट्रेन आएगा। अब देखो क्या क्या होता है भाई, बहुत ठंड है बहुत। हे गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन, आप लोग देखे हम लोग बाइक से कैसे करके आए थे यहाँ पे। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं लद्दाख में हूँ, लेकिन मैं लद्दाख में नहीं हूँ, मैं हूँ बिहार में, देख रहे हो। और मेरे आस पास का नज़ारा देख लो आप लोग, मैं हूँ अभी बिहार का रेलवे स्टेशन का नाम है इसका धरौधर जंक्शन, और यहाँ से कुछ व्यू देख लो, गाड़ी का घंटा कुछ नहीं दिख रहा है अगल बगल, तो आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं लद्दाख में हूँ, मैं हूँ बिहार में। अच्छा ठीक है, ये देख लो कुछ बाकी व्यू। अभी हमारी जो ट्रेन है, अभी जो हमारी ट्रेन है वो आने वाली है, जिसका आज सफ़र करने वाले हैं। आज हम लोग मौर्य एक्सप्रेस में आए, तो जनरल में आज इधर से रिटर्न जाते समय कुछ भारी लगेज हो गया था, तो वो लगेज भी ले लिए हैं, और लगेज के साथ में देखते हैं जनरल का सफ़र कैसा होता है। बाकी मौसम बहुत काफ़ी ठंड हो रखा है, और मेरा जूता में देखो काफ़ी बर्फ़ जम गया है पैंट में, ये देख रहे हो गाइस, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो बर्फ़ जमा हुआ, ये देखो ये पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ देख रहे हो, देखो बर्फ़ है ये। और बिहार सरकार ने यहाँ पे हाई अलर्ट जारी कर रखा है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और देखो ये हाथ में, ये चूल पूरा मेरा भींग चुका है, बाल पूरा देख रहे हो भींगा हुआ है, ये देखो ऐसे कर रहे हो, देखो पानी है पूरा, इतना ठंड, कितना ठंड है ना कि कुछ पूछो मत, कितना ठंड है। और बाकी एक घंटा आज हमारी, एक घंटा अभी से एक घंटा है, और डिले है एक घंटा ट्रेन, और ट्रेन आते ही हम आपको उसके बारे में दिखाते भी चलेंगे। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे करके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मुझको ही पता है। गाइस बाद में मिलते हैं ट्रेन वेन में कहीं पे। गाइस देखो ट्रेन आ रही है, मगर कुछ दिख नहीं रहा, हॉर्न दे रहे हैं। इधर अंधकार से निकल रही है, कहाँ से अचानक से लग नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा कहाँ से निकलेगी कहाँ से नहीं, देख रहे हो कहीं निकल रहा है, लग रहा है कि कहीं गुफा से निकल रही है, और इधर कहीं गुफा में डूब गई। फिर देख रहा है कहाँ पूरी की पूरी कोहरा ने खाल गया ट्रेन को, पूरा का पूरा ट्रेन खा गया कोहरा, देख लो। गायब गाइस, अभी हम लोग का ट्रेन जो है छपरा आ गया है, और छपरा आने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बहुत भीड़ खाली भी हुआ और बहुत भीड़ भर गया है। और छपरा आने में करीबन अपने राइट टाइम से थोड़ा डिले है, एक घंटे का डिले पे चल रही है ट्रेन, और इसका गाड़ी संख्या है 150-28, और ये इसमें हम लोग का सफ़र होने वाला है, करीबन 428 किलोमीटर का सफ़र करने वाला है इस ट्रेन में, तो रात 12 बज जाएगा उतरते उतरते डेस्टिनेशन पर। तो चलो अभी देखो, काफ़ी भीड़ हो रखा है, देख रहे हो
पूरा का पूरा ट्रेन में। और गाइस हमारी गाड़ी अभी छपरा से खुल चुकी है, करीबन एक घंटा डिले है। सोनपुर आ चुका है और यहाँ से करीबन एक घंटा का डिले है ट्रेन हमारा, यहाँ पे आना चाहिए था इसको 12:30 में, अभी आया है 1:30 में और ट्रेन अभी हल्का धीरे खाली होते जा रहा है और आशा करते सीट भी मिल जाएगा हमको। और बाकी यहाँ का ट्रेन का भीतर का भी व्यू देख लो अभी फ़िलहाल का। दो मिनट का हॉल्ट होने के बाद यहाँ से गाड़ी खुल चुके हैं, हम लोग का हॉर्न तो दे दिया है और यहाँ से खुलेगी तो सीधा हाजीपुर रुकेगी और ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है 1:33 पे। कहता खुलला के बाद तारा स्पीड धरेला चलावा भैया जल्दी चलो जा अंदर। जल्दी 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 करो, पैसा गिर दे यही जा। इतना भीड़ है देख रहे हो, सब ही सब आदमी पीछे से आ रहा है पूरा भीड़, सब इसी गाड़ी का पैसेंजर। भाई ये किसका बैग है, सब एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ तक जाएगा सब, झाझा तक जाएगा सब भीड़ से, झाझा क्यूल नहीं आगे ढोली में देखिएगा, ढोली में कितना खाली होगा। ढोली स्टेशन, ढोली क्या है कुछ है स्टेशन, लोकल पैसेंजर सब लोकल मेल के देखिएगा कितना खाली होगा, इसमें बहुत खाली होगा ढोली में। बाप रे इतना आदमी है रे। जंक्शन पे आदमी होता है कहाँ, उतरो प्लेटफार्म है, कहाँ रुक रहा है ट्रेन। हाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बताओ कितना आदमी उतर रहा देखो। प्लेटफार्म है उधर और आदमी उतर रहा है इधर, ट्रेन रुका है। छोड़िए छोड़िए नीचे छोड़िए, गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर। यहाँ पहुंचने का टाइम था 3:13 पर, बाकी पहुंच रहे हैं हम लोग 5:27 पर। और ये जो अभी आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पे इसको चालू किया गया था, देख ले पूरे ट्रेन
होने लगी है। इसको 26 जनवरी को भी इसी को चलाया गया था। देख लो कितना मस्त लग रहा है। और बाकी इधर देख लो मौसम भी आ रहा है यहाँ से। बाकी मिलते हैं गाइस, रात हो जाएगा, 12 बज जाएगा मेरे को घर जाते आते। और फिलहाल अभी हम समस्तीपुर में, और जैसे जैसे अपडेट देते जाएंगे हम लोग, बने रहे हो आप लोग ब्लॉग में। ये देखो ट्रेन के अंदर का भीड़ भाई, कितना मुश्किल से सीट मिला मुझको पता है। देखो बस 5:37 पर यहाँ से डिपार्चर हो चुका है समस्तीपुर से हमारी ट्रेन। अभी जो है हमारी ट्रेन की है बछावड़ा, और बाहर देखो इतना ये है अंधेरा, और भीतर देखो घनघोर भीड़ है। देखो बहुत भीड़ है, बहुत 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 है। आरपीएफ को देखो दौड़ चला रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा घंटा ना ब्लॉगिंग हो रहा है। पता नहीं मेरा ही किस्मत में से क्यों होता है, इससे हमेशा भीड़ ही भीड़ मिल जाती है। देख रहे हो सामने फेस के सामने इतना बड़ा बड़ा बैग रखा हुआ है। गाइस अभी बजा है 7:00 और हम पहुंच गए हैं बरौनी जंक्शन, और यहां पे भी गाड़ी अभी 1 घंटे लेट आई है, और काफ़ी भीड़ है यहां पे देख लो गाइस। और भीतर तो पूछे मत, भीतर ये देख लो पूरी सब्जी खाना मिलेगा। अरे चाचा पूरी सब्जी, यहां आदमी बैठने का जगह नहीं है, पूरी सब्जी गर्दन टेढ़ा काका बैठे हुए हम देख रहे हो। अंदर एकदम में जगह नहीं है भाई, अंदर एकदम में जगह नहीं है। अंदर जाएगा, अंदर जाएगा ये लोग। गजब का भीड़ है भाई, गजब का भीड़ है। अरे ओए लड़का मोबाइल छोड़ के जा रहा, चोरी हो जाएगा ओए। उसको बोला साला। अरे बाप रे बाप, कैसे भीड़ होगा नीचे। अरे भैया इधर गिर जाएंगे हम, चढ़ जा रहा दे ऊपर सब जगह। सामने रखी, अरे इधर मोड़ के रखे। आए पूरी सब्जी, पूरी सब्जी। जान तो भीड़ इतना ज्यादा है कि हम अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके ब्लॉग भी नहीं बना सकते हैं, इतना ज्यादा। हाथ खोलेंगे तो खोलेंगे कैसे भाई, खिड़की जैसे तैसे खिड़की वाला से ब्लॉग बना ले रहे हैं, मतलब असंभव है, असंभव समझ लो असंभव। कोई अगर है तो इस गाड़ी में लगन के दिन में जाकर, लगन यानी कि शादी ब्याह का जिस दिन होता है ना समय, उस समय आकर बिहार में इस गाड़ी में सफ़र करके ब्लॉग बना ले भाई यार, वो भी जनरल में। स्लीपर और उसका तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो बना ही सकते हैं, जनरल में इसमें असंभव है बनाना। और गाइस हमारी ट्रेन जो है खुल चुकी है बरौनी से 7:17 पर 10 मिनट बाद, और यहाँ से नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो पड़ेगा हाथीदह। वहाँ का वहाँ से चल के वहाँ पे आप लोग से मिलते हैं। हाथीदह में हल्का खाली नहीं होगा, लेकिन भीड़ जो है गाड़ी में बढ़ते जा रहा है, यहाँ से काफ़ी भीड़ हो चुका है, और गला दिखाने लायक हम नहीं रहे हैं। तो ये सोचते हैं कि जिस दिन का, और देखिए यही मंदिलवा है, यही मंदिलवा है। ये डबल मंदिर जो बन रही है ना, ये वाला जो शंकर जी का ऊपर दिख रहा है शिवलिंग, यही है यही। अरे बहुत बड़ा मेला लगता है गाइस। ये जो देखो ये पुलिस वाला है ना गाइस, इसको हम अभी बुला रहे थे कंप्लेन करने के लिए, कुछ लोग ट्रेन में नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं उसके लिए। तो ये पुलिस वाला भाई आरपीएफ किस काम का है भाई, देख लो रेलवे पुलिस, पता ना क्या नेम प्लेट भी नहीं लगाया है, काहे का जो रेलवे पुलिस है काहे का सिक्योरिटी दे रहा है
बुढ़ा हो गया है भाई। मानते तुम उस पोस्ट के लिए नहीं हो, लेकिन आके कम से कम वो तो कर सकते हो, किसी का मदद तो कर सकते हो भाई। ये पूरा ट्रेन में पता है गांजा फूंक रहे हैं सब बैठ बैठ के पब्लिक प्लेस में, देख लो। बोलने पर ही लोग सुन नहीं रहे, पूरा फूके जा रहे हैं गांजा, पूरा ट्रेन महका दिए है। और ये आरपीएफ वाले को बुला रहा तो आरपीएफ वाला सुन नहीं रहा। भाई सभी ट्रेन जमुई में रुकी है और ये देख लो भाई, ट्रेन का हार लग रहा है भाई, गाय भैंस का घर बना दे रहा हूँ। गेट पे है तो गेट पे लटकल जाएगा, देख रहे हो भाई। उतरना रहेगा उतरेगा कैसे? तो हम भी सोच रहे, किसी को लेटरिंग वेटरिंग लग गया, पेशाब साफ लग गया तो जाएगा कैसे वो? अरे लटक क्या रहा, आरपीएफ डंडा से मार रहा फिर भी नहीं ढुक रहा है। हाँ सीट से खुली है 11:03 पे। मतलब ऊपर में चढ़ा गया मिला उत्तम भैया जगह तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन चितरंजन, और यहां से अब चलते हैं घर। और ये जर्नी बहुत ही डेंजर हुआ है और रास्ते में इतना ज़्यादा भीड़ है, हम पहली बार एक्सपीरियंस किए इतना ज़्यादा भीड़। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।